गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया से तारामंडल पिकनिक पर जा रही स्कूल की बस पलटी, साइकिल सवार की हुई मौत, 6 स्कूली बच्चे हुए घायल। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा सभी बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया बाहर, बच्चों को भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जनरल स्टोर के दुकान में अमरूद मंडी पर बिक रहा है खुलेआम गांजा। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा मामला आया है संज्ञान में, की जाएगी कार्रवाई, बाइट देने से किया इनकार। सीएम ने चयनित 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा भर्ती निकलते ही वसूली पर निकल पड़ते थे महाभारत के रिश्ते। दी सीख बोले कार्य प्रगति ही आपको करती है पुरस्कृत, बिना योग्यता के पुरस्कार पाने वाले बनते हैं हंसी के पात्र। यूपी के बारे में बदली है लोगों की धारणा। थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर भू माफिया जवान यादव की 85 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई, एसपी सिटी ने दी जानकारी। धोखाधड़ी द्वारा आपराधिक न्यास भंग व जान से मारने की धमकी देने वाले दो शातिर अभियुक्तों प्रेमनाथ व राजकुमार निषाद के ऊपर बेलघर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। कोरी बलिदान दिवस की याद में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले देश के 750 ड्रोनों के सबसे बड़े ड्रोन शो के मद्देनजर नौकायन से पैडलेगंज तक रहेगा रूट डायवर्ट, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने दी जानकारी। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों सौरभ सिंह एवं अभिलाष उर्फ रीशु यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। लूट और डकैती करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों मनोज चौहान, मनोज साहनी, सुनील उर्फ बहादुर चौहान, सोनू मिश्रा उर्फ विनोद उर्फ अजीत मिश्रा, वीरेंद्र कसौधन और विकास पाचक उर्फ दीपू के ऊपर चिलाताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, सीओ कैंपियरगंज ने दी जानकारी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से जिला कारागार गोरखपुर तक निकाली गई बाइक रैली, कहा काकोरी कांज के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की खातिर सब कुछ खुशी खुशी किया निशावर, देश के हर नौजवान को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ दबिश के दौरान राजघाट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों राम केवल, ओमकार निषाद और बुद्धिराम निषाद को किया गिरफ्तार। 450 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम नौशादर, 1 स्कूटी किया बरामद, एसपी सिटी ने दी जानकारी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत चित्रकला एवं रंगोली महोत्सव का हुआ आयोजन। 1911 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग, सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ होगा महोत्सव का समापन। अब खबरें विस्तार से। खोराबार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर चौकी अंतर्गत भैंसहा पेट्रोल पंप के सामने फोर लेन पर साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया से तारामंडल टूर पर जा रही स्कूली बस पलट गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर चौकी अंतर्गत देवरिया से तारामंडल टूर पर जा रही एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस पलट गई, जिसमें साइकिल सवार की मौत हो गई, जिसकी पहचान तिलकधारी पुत्र महिपत निवासी बसडीहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में ग्रीन डिफेंस सोनिया एकेडमी जनपद देवरिया के 6 बच्चे घायल हुए,
उन बच्चों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी सभी बच्चों को बस से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बस में कुल 62 बच्चे सवार थे। सभी बच्चों को प्राइमरी चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इसमें ड्राइवर को भी चोट आई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। इस अवसर पर CO कैंट योगेंद्र सिंह, खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, जगदीशपुर चौकी प्रभारी रामानुज यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रीन डिफेंस सोनिया एकेडमी जनपद देवरिया की अध्यापिका अपर्णा गुप्ता, स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी विजेंद्र कुमार गुप्ता, CO कैंट योगेंद्र सिंह और SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। कितने बच्चे छोटिल थे? बच्चे छोटिल थे उसमें कितने लगभग? फिर भी हेलो 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 बेटा सब ठीक हो? 11 लोग बोले हमें चारों है ना, समीम गुलिस्ता ये सब बोलेंगे। क्या नाम है? ग्रीन डिफेंस सोनिया एकेडमी, ग्रीन डिफेंस सोनिया एकेडमी नारायणपुर बंजर देवरिया में। लड़के बाकी जो लोग हैं, ड्राइवर का सबसे ज़्यादा गंभीर है, ठीक है। चलो भाई, तुम लोग क्यों खड़े हो जाओ यार? जाओ तो सालों का लट बजाओ। अल्पना गुप्ता, वो साइकिल वाला आ रहा था, उसी को बचाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगा है, बस थोड़ा बहुत चोट लगा है तो वो एडमिट हुए हैं।
हाँ अस्पताल भेजा गया है और नारायणपुर गांव ड्रीम डिफेंस सोनिया एकेडमी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग नारायणपुर से आ रहे थे और गोरखपुर जा रहे थे टूर पे घूमने के लिए। विजेंद्र कुमार गुप्ता। अरे सर, हम उधर से पेट्रोल भरा करके जा रहे थे तो गाड़ी जो है मतलब एक साइकिल वाले के बचाने के चक्कर में जो है गाड़ी इंजर्ड हुई है, ऐसे ही हुआ। कुछ बच्चे भी चोट लगा बच्चों को? हल्का फुल्का पाँच छः लोगों को जो लगा है। जी हाँ, पहचान पहुँचाया गया? हाँ जी हाँ, पहुँचाया गया। ये 112 पे एक सूचना मिली थी कि एक स्कूली बस है जो कि गोरखपुर की तरफ जा रही थी जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे, तो वो पलट गई है। जहाँ यहाँ मौके पर पहुँचा तो मौके पर देखने में पता चला कि एक साइकिल सवार था, उसको बचाने के चक्कर में जो स्कूल बस थी वो नीचे खाई में गिर गई थी जिसमें लगभग 55 बच्चे सवार थे। बच्चे तो सभी सुरक्षित हैं, साइकिल सवार और जो बस का ड्राइवर था वो ज़्यादा घायल है। हाँ, 3-4 बच्चे हैं जिन्हें चोट लगी थी जिन्हें कि हॉस्पिटल भेज दिया गया है, बाकी बच्चे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जो हॉस्पिटल गए हैं वो भी, उनके हल्की चोट लगी हुई वो भी सेफ है। ये रामनगर करजहाँ चौकी के पास भैंसा पेट्रोल पंप जो सामने दिख रहा है उसके सामने आज प्रातः 10 बजे देवरिया से तारामंडल बच्चों को पिकनिक खिलाने के लिए एक बस में टोटल 62 बच्चे सवार थे। उस बस के ड्राइवर ने एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस को टर्न लिया सडन और उसकी वजह से बस पलट गई है। उसमें साइकिल सवार जिसको बचाने का प्रयास किया वो साइकिल सवार की डेथ हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है एवं बाकी बच्चों को भी प्राइमरी चेकअप के लिए एक बार CHC स्कूल बस से ले जाया जा रहा है। ड्राइवर को भी हल्की फुल्की चोट आई है, उन सभी को CHC पहुँचाया जा रहा है ताकि एक बार सभी का प्राथमिक उपचार है किया जा सके। राजघाट थाना क्षेत्र के अमरूद मंडी चौराहे पर जनरल स्टोर की दुकान में गांजा बिक रहा है। आपको बता दें कि राजघाट थाने की पुलिस हर हफ्ते कच्ची शराब में लगातार कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कच्ची शराब बरामद कर जेल भेज रही है, लेकिन टीपी नगर चौकी से 200 मीटर दूर हाईवे पर अमरूद मंडी चौराहे पर जनरल स्टोर की दुकान में खुलेआम गांजा बिक रहा है जिसकी राजघाट पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है। एक व्यक्ति द्वारा गांजा खरीदने व बेचने का लाइव वीडियो बनाया गया। जब इस संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में आया है और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कैमरे पर बाइट देने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा इस खबर और फुटेज का संज्ञान लेकर राजघाट पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। बाबू मच्छी से देना माच कितने का पैकेट वाला बाबू? ए चला तू के ले ली बेटा, 20 वाला दे दो। अरे हो हम तो नहीं ना बढ़िया बात है, आज बढ़िया वो बात बढ़िया खराब के ना बात कर पैसा मिलाओ ना जला पैसा बताओ अंदर रख ला। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौ चयनित अभ्यर्थी कई वर्षों से अन्य परीक्षाओं में भी शामिल हुए होंगे, योग्यता होने के बावजूद चयन नहीं हुआ होगा क्योंकि पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले भर्ती में भ्रष्टाचार होता था, भर्ती के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। 6.5 वर्षों में हमने अपराध व अपराधियों के साथ ही भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीतियों को अपनाया, इसलिए युवा योग्यता क्षमता व प्रतिभा के अनुरूप काम पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां विवेचना करती हैं तो मानती हैं कि यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर लगभग 2% रह गई है। विगत 6.5 वर्ष में हमारी सरकार ने सभी बैरियर को हटाकर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है जिसमें हर प्रतिभाशाली युवा को नौकरी व रोजगार मिल सके। CM ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को रविवार को लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित किया।
पांचवे चरण के अंतर्गत 123 सहायक अध्यापक व 1272 प्रवक्ता के सपने साकार हुए। मिशन रोजगार के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद पर 74 महिला व 49 पुरुष तथा प्रवक्ता पद पर 870 महिला व 402 पुरुषों का पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होने पर लोक सेवा आयोग की टीम को बधाई दी। कहा कि यह प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा प्रदेश में ही योग्यता अनुसार सेवाएं देने को तत्पर दिख रहा है। सीएम ने कहा कि यूपी लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष कार्य पद्धति, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, उच्चतर व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा की गई सभी कार्यवाही निष्पक्ष हो रही है। आज भर्ती में कोई भाई भतीजावाद, जातिवाद व भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि ईमानदारी से प्रक्रिया को बढ़ाकर चयन में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। भर्ती की हर प्रक्रिया को मिशन रोजगार के तहत बढ़ाया, उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी, वहां 5.5 वर्ष में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने में सफलता हासिल की गई। बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का वातावरण दिया, उसका परिणाम है कि यहां व्यापक निवेश हुआ। 1.61 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी व रोजगार देने में सफलता पाई। कई युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया में बाधा थी, उन्हें दूर कर 60 लाख से अधिक नौजवानों व उद्यमियों को यूपी में स्वतः रोजगार से जोड़ने में सफलता पाई। आज की प्रक्रिया भी मिशन रोजगार का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम की अनुकंपा से 10 लाख से अधिक अग्निवीरों का चयन हो रहा है। केंद्र के विभिन्न विभागों में 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ने की कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है। मिशन रोजगार के जरिए देश प्रदेश के युवाओं के लिए अपनी ही राज्य व देश में नौकरी व रोजगार की असीम संभावनाओं को बढ़ाने का कार्य हो रहा है। सीएम ने 9 चयनितों को सीख दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़ना। 6 महीने साल भर में तमाम बहाने बनने लगते हैं। पिछड़े जनपद में कौन जाएगा? यदि वह पिछड़े ही रह गए तो यूपी कैसे बढ़ेगा? प्रदेश बढ़ेगा तो हर प्रदेशवासी के प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयुक्त कार्यालय में किया गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों ने बताया कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। काफी प्रयासों के बाद यह कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा हम लोग के लिए काफी चैलेंजिंग थी। पहले इस परीक्षा में इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के पीछे कठिन परिश्रम, माता पिता, ईश्वर, इन सब का श्रेय है तथा उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, प्रशासन आयुक्त अजय कांत सैनी, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नियुक्ति पत्र पाने वाले अध्यापक एवं प्रवक्ता पूजा दीक्षित, सुचि भट्ट, राजलक्ष्मी अग्रवाल, दिव्या शुक्ला, निलय, विशाल सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। आपकी कतर भरी उम्र उसका हरदम करती रहेगी। और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह
एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन सभी जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हर एक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा बढ़ती गई विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके। यह राज्य सरकार ने विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और इसी में भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी, उस प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से सुरक्षा का शंका मुक्त प्रदेश बनाने का जो वातावरण दिया, उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पे यहाँ पे निवेश हुआ, 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमें निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देने में सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बैंकों से उनको जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई बाधा थी या बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बैरियर का काम करती थी, उन सभी बाधाओं को दूर करते थे। 7 लाख से भी नौजवानों को उद्यमियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे,
वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे, बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घट करके केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी और बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती है, इस बात को कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा हो सकता है, आपने लगा होगा अक्सर होता क्या है, कई बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। जैसे हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अपने परिवार की प्रति जवाबदेही बनते हैं, स्वयं के प्रति जवाबदेही बनना पड़ेगा, उन बच्चों के प्रति जवाबदेही बनना पड़ेगा। यहाँ पे वो पाती है शिक्षक बिना बताए गायब, हमें उस विश्वास पर स्वयं को खड़ा करने के लिए तैयार करना होगा। और अगर हम उससे भी विद्यालय में शिक्षक भी है, छात्र भी है, लेकिन स्वच्छता के बारे में बार बार कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भी वहां व्यवस्था करना है, तो उसकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी। स्वागत करता हूँ माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं माननीय विधान परिषद सदस्य श्री रजय सिंह जी का, माननीय ग्रामीण विधायक श्री विपिन सिंह जी का और माननीय पिपराइज विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी का। साथ ही स्वागत है हमारे अपर आयुक्त महोदय श्री अजय खान सहरी सर का। महोदय, इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के 1395 विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता या सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, उनका नियुक्ति पर प्रचार का कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अभी संचालित हुआ है, जिसमें अपने जिले से कुल 32 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें 31 प्रवक्ता पद पर और एक सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, जो कि आज इस सभागार में उपस्थित है, आपके कर कमलों से नियुक्ति पर प्राप्त करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ और ना फॉर्मेलिटी करते हुए सीधे अभ्यर्थियों को आमंत्रित करूंगा एक एक करके। श्री संतोष कुमार मौर्य, कुशीनगर जाना है, भगवान बुद्ध की पढ़ने वाला तुम्हारिया का जाना, रास्ता तो बढ़िया बनेगा जो तो चलो भैया पड़ेगा वहाँ रहेगा, आगे तो रहना पड़ेगा सर, नौकरी मिल जाए वो भी ईमानदारी से बड़ी बात है। श्री निशान
अच्छा चलिए गंडक नदी शैलेश सिंह नौरंगिया तो श्री मनोज कुमार यादव मैं चाहूंगा विधायक ग्रामीण सिंह जी से कि आप भी अपने कल कर्मों से मुख्यमंत्री राज लक्ष्मी अग्रवाल इधर नौकरी मिल जा रही बड़ी बात है सुश्री अच्छा चलिए आपका देवरिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है सामने देखो सामने बहुत बहुत बधाई पूरा लाए चलिए कहाँ से हैं आप राप्ती नगर से मेरी पत्नी वहाँ से प्रमुख भी है मैं भी वहाँ से प्रमुख रहा दो बार अरे कहाँ पाए आप मलगांव अरे भैया तुम तो बगल में जा रहे हैं चलिए मेहनत करिए दूरी कुछ नहीं है भैया मनोज पड़ोसी चलिए दिव्या शुक्ला नियुक्ति पत्र मिला है क्या जी बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी प्रयासों के बाद ये हुआ और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत पारदर्शिता थी इस चुनाव जो भी हुआ शिक्षकों का और पूरे जनपद के जो छात्र हैं छात्राएं हैं काफ़ी मेहनत की थी हमने प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया मेंस किया और आज ये खुशी का दिन हम सबको नसीब हुआ किस तरह की तैयारी थी कितना पढ़ा जी एक तो ये जो परीक्षा थी ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि पहले इसमें इंटरव्यू होता था पर इस बार इंटरव्यू नहीं था मेंस का कोई आइडिया नहीं था हमें सेंटर्स भी प्री में काफ़ी दूर थे मेरठ और हर चीज़ तो ट्रेन में वो यात्रा करना वो ठिठुरती ठंडी में तैयारी करना वो एक छात्र ही समझ सकता है कि हमने किस प्रकार की तैयारी की थी लेकिन आज जो खुशी हमें हमारे माता पिता को मिल रही है वो मैं बयां नहीं कर सकती सबसे पहले ईश्वर को अपने माता पिता को और बेशक मेरी कठिन परिश्रम जो मैंने की थी जो मेरे स्तर से हो सकी थी राजलक्ष्मी अग्रवाल नियुक्ति पत्र मिला क्या कैसा लग रहा आपको जी सर बहुत अच्छा लग रहा है और लाइक ये एकदम निष्पक्ष और बहुत ही पारदर्शी एक तरीके से नियुक्ति थी तो उस तरीके से जैसी रैंक थी वैसा कॉलेज मिला है बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड तैयारी की थी आपने तैयारी तो काफ़ी मेहनत करी थी हमने तैयारी के लिए क्योंकि एक तो सब्जेक्टिव पेपर था उसके लिए बहुत मेहनत करी थी और ऑब्जेक्टिव पेपर था जो फर्स्ट पेपर था उसमें होने के बाद हमने बहुत मेहनत करी थी जिसमें सेकेंड पेपर जब हुआ था तो जब उसमें क्वालिफाई हुए तो बहुत खुशी हुई एंड देन अभी कॉलेज लेकर बहुत अच्छा लग रहा है अपनी फैमिली को अपनी मेहनत को अपने गुरुजनों को सुच्ची भट्ट मेरा चयन राजकीय लोक माध्यमिक विद्यालय में हुआ है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती किया गया है मीडिया का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ यूपी सरकार के लिए यूपी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि एकदम से ट्रांसपेरेंट वैकेंसी कम्प्लीट हुई है इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगी मेरा नाम पूजा दीक्षित है और मैंने आज 1395 प्रवक्ता जो भर्ती हुई है उसमें अपना स्थान पाया है मेरा मैं गोरखपुर की निवासी हूँ लेकिन मुझे जो पोस्टिंग मिली है वो देवरिया सलेमपुर में मिली हुई है मैंने जो अपने बेसिक एजुकेशन है वो कारमल इंटर कॉलेज से किया हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यूनिवर्सिटी से हुआ है और फिलहाल मैं PhD टॉक्सिकोलॉजी से कर रही थी लेकिन खुद से मैंने मतलब इसकी तैयारी करी पूरी पढ़ाई करी मेरे
माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ पे मतलब मैं सेलेक्ट हुई हूँ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस पूरे एग्ज़ाम में कहीं किसी तरह का कोई भी ओपेकनेस नहीं है, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं, तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देख करके तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। योगी सरकार के लिए तो मेरे मन से इतनी खुशी निकल रही है, मैं कुछ शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैंने इतने सारे पोस्टिंग होते हुए देखा है और मुझे यही पता है कि बहुत सारा इधर उधर ड्राइव और मतलब भ्रष्टाचार है, लेकिन इस जगह पे मैं खड़ी हूँ और मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहनत के दम पे यहाँ तक आए हैं, सबके आशीर्वाद के दम पे यहाँ तक आए हैं, तो योगी सरकार की तो जय। मेरा नाम निलय विशाल सिंह है और मैं गोरखपुर जनपद के ग्राम बासुडिया का रहने वाला निवासी हूँ और मेरा चयन प्राणी विज्ञान प्रवक्ता पे राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज के लिए हुआ है और मेरा इस विषय में प्रथम स्थान था पूरे प्रदेश में और प्रथम स्थान पाने की वजह से भी संभवतः ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैंने जो फर्स्ट च्वाइस दिया था अपनी काउंसलिंग में वो कॉलेज मुझे मिला है और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी थी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आरोप या फिर ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल स्वच्छ और निष्पक्ष प्रक्रिया थी। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसा महसूस? जी सर, और नियुक्ति पत्र पा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पिताजी माताजी सभी भाई बहन बहुत गौरवान्वित हैं और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस योग्य बना कि अपने माता पिता को ये सुख के क्षण प्रदान कर पाया। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों का आशीर्वाद और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है सर, और मेहनत करना आवश्यक है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोक सेवा आयोग द्वारा आज उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली ये वितरण किया गया। सभी जनपदों में हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। 1395 पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। गोरखपुर में भी 32 जिसमें 31 प्रवक्ता और एक सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। हमारे गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी, गोरख पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी और अधिकारियों के सामने यहाँ नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वर्चुअली ये बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5.5 वर्षों में जिस प्रकार से 5.5 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र पारदर्शिता के आधार पर दिया गया और उन्होंने जो आज अध्यापक और सहायक अध्यापकों को उनके द्वारा जो विद्यालयों में पढ़ाई पठन पाठन और अन्य चीज़ों को विस्तार से विषय को रखा है, पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में हो रहा, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी तरीके से जहां शिक्षकों की या हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज भी स्थापित हो रहा है। आज के अवसर पर सभी नवनियुक्त प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को उनके उज्ज्वल भविष्य की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी जवाहर यादव की जिलाधिकारी के निर्देश पर 85 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अपराधी जवाहर यादव पुत्र राम अवधि यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर की गैंगस्टर एक्ट के तहत ग्राम रानी रिहा थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर में स्थित आराजी संख्या 96 कार्यालय दूसरा जंगल सिकरी स्थित आराजी संख्या 69 आवास व कार्यालय व अराजी संख्या 66 तीसरा सेक्टर स्थित अराजी संख्या 159 व अराजी संख्या 160 तथा अन्य अराजी आवासीय भूमि है जिसकी कुल कीमत लगभग 85 करोड़ रुपए की है, जिसको तहसीलदार की मौजूदगी में जब्त किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त एक पेशेवर भूमाफिया है जो कि दूसरों की जमीन पर कब्जा कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी, जिसको कुर्क किया गया है। इस अवसर पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार विकास सिंह एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा,
आप वाला ताला लगा, ये ताला नहीं लगेगा, ये ताला अपने पास रहेगा। नहीं नहीं दूसरा ताला अपना। हाँ वो अभी नहीं नहीं ये लाख एक्सीडेंट करते रहना तोड़ते रहना ताला ताला ले आओ कौन से मोमबत्ती है वाला कोई है ला दे दीजिए लाए लगवा दीजिएगा मतलब इसमें भले वो शाम इसमें मिला लीजिए भी हां हां अभी चलते इसको देखो कहां से कटेगा इसको काटो कंडीशन वगैरह बढ़िया तो साहब ये ना भाई इसे कटाओ ये लोग रहता है वहां ताला लगा रखा है चाबी का यही देखो मैं आपको भी ले फोन नहीं है एकदम विरोध जगह अभी अच्छा रहे नोट एंड नॉर्मल सुनो 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 श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के कार्यालय के वार्ड संख्या 44/75/2022 के अनुपालन में आज दिनांक 18/12/2022 को अभियुक्त गैंगस्टर का अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम मोहन यादव निवासी मदरामा सुबह बाजार थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 338/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैंट जनपद गोरखपुर में पंजीकृत है। उसके तहत 14(1) की आज कार्रवाई हुई है। यह एक भूमाफिया है जो स्वयं अपने गिरोह के सदस्यों के साथ आर्थिक भौतिक दुनियावी या अन्य लाभ प्राप्त करके उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर आम जनता को मारपीट कर डरा धमका कर जमीन कब्जा करना, कब्जा न मिलने पर हत्या करना व जमीन के नाम पर रुपए हड़पने जैसे गंभीर अपराध कारित किया गया है। इसके द्वारा अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त विगत कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए असंवैधानिक तरीके से काफी धन अर्जित कर अपने और अपने परिजनों के नाम से चल अचल संपत्ति खरीदा गया है। कार्रवाई में जंगल सीकरी में ये इन्होंने अपना कार्यारा बनाया है जो गाटा संख्या 69 व गाटा संख्या 66 समाचीन है जिसको आज 14(1) के तहत जब्त किया जाता है। धन्यवाद। उपस्थिति में मुकदमा अपराध संख्या 338/2021 धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत थाना कैंट में पंजीकृत मुकदमे से संबंधित अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी बरदहा सुबह बाजार थाना गोरख खोराबाग जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 14(1) की कार्रवाई के तहत 14(1) की कार्रवाई के तहत जुर्म जरायम की दुनिया से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का जब्तीकरण की कार्रवाई के तहत
सेक्टर में अराजी नंबर 159 और अराजी नंबर 160 की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। जवाहर यादव हैं और इनके खिलाफ दिनांक 17/12/2022 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके क्रम में आज जो है ये कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा जंगल सीकरी उपखोरा बार और ये रानी डीहा में सिक्टौर में काफ़ी जो है गैर कानूनी तरीके से जो है गतिविधियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसी के खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का अनुक्रम में स्पेशली भूमाफिया या किसी प्रकार का माफिया हो उसके खिलाफ कार्रवाई को और पुरजोर बल देने के अनुक्रम में ही आज एक भूमाफिया जवाहर यादव जो कि खोराबार थाना अंतर्गत रहता है और उसके द्वारा उसने पुत्रों और अन्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। उसमें उसी संपत्ति के चक्कर में उन्होंने एक मर्डर भी किया, उसी मर्डर में ही उनके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और करोड़ों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है जो जरायम की दुनिया से, और उसके साथ साथ उनके करीबन कई सारे व्हीकल भी हैं। तो आज ये अटैचमेंट शुरू हुआ है, कई सारी संपत्ति है जो कई दिन तक ये अटैचमेंट चलेगा। उसमें से ये पहला अटैचमेंट है जो कि जंगल सीकरी में स्थित है, यहाँ पे ये इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा है और उसी प्रॉपर्टी के ऑफिस के माध्यम से ये जमीनों की खरीद फरोख्त और कब्जा करने का कार्य करते हैं। कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा की अटैचमेंट है टोटल, और वो कई दिनों तक की जाएगी और उसका पूर्ण ब्यौरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा। इनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज। बेलघाट थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बेलघाट थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान प्रेमनाथ पुत्र राम जियावन निषाद निवासी ग्राम पुछीहावा टोला नटुआ ज्ञानपार थाना जगह जनपद गोरखपुर, दूसरा राजकुमार निषाद पुत्र रामदेव निषाद निवासी गण ग्राम पुछीहावा चोला नटुआ ज्ञानपार थाना जगह जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग लीडर प्रेमनाथ अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन धोखाधड़ी द्वारा आपराधिक न्यास भंग और जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध करता है। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र झंगहा के दो अपराधी राजकुमार और प्रेमनाथ जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर के धन उगाही करते थे, इनको गिरफ्तार करने में बेलघाट पुलिस को सफलता मिली थी और छानबीन में पाया गया कि एक संगठित गिरोह है जो लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी करके धनोपार्जन करता है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गैंग चार्ट अनुमोदित कराया गया और अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा और अपराध से अर्जित संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चोर कराई जाएगी। काकोरी बलिदान दिवस की याद में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले देश के 750 ड्रोनों के सबसे बड़े ड्रोन शो कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को 2 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक पैडलेगंज से नौकायन एवं नौकायन से पैडलेगंज तक रूट डायवर्जन रहेगा तथा पार्किंग की अलग व्यवस्था रहेगी, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि देवरिया बाईपास की तरफ से आने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे। पैडलेगंज की तरफ से
काकोरी बलिदान दिवस में आने वाले दोपहिया एवं चार पहिया वाहन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सामने खाले मैदान एवं प्रेक्षागृह के बाएं तरफ सड़क पर पार्क होंगे। पैडलेगंज की तरफ से आने वाले सभी प्रकार की बसें चंपा देवी पार्क में खड़ी होगी। पैडलेगंज चौराहे से कार्यक्रम में आने वाले सभी वाहनों को छोड़कर बाकी वाहन अमर उजाला मार्ग से होकर जाएंगे तथा ट्रांसफार्मर तिराहे से कार्यक्रम में आने वाले सभी वाहन को छोड़कर सभी वाहन हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास मार्ग से जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में कल काकोरी बलिदान दिवस का कार्यक्रम है शहीदों की याद में। उस कार्यक्रम में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। उस दौरान काफी पर्यटक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले बच्चे एवं गोरखपुर के जनप्रतिनिधि आएंगे। उस पर कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को छोड़कर से सभी प्रकार का यातायात पैडलेगंज से महंत दिग्विजयनाथ पार्क की तरफ और ट्रांसफार्मर तिराहा से महंत दिग्विजयनाथ पार्क की तरफ प्रतिबंधित किया गया है। केवल कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन जाएंगे और उन वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, बसें बच्चों को कार्यक्रम स्थल पर छोड़ के उसके बाद चंपा देवी पार्क में आएंगी और जितने फोर व्हीलर्स होंगे फोर व्हीलर सब गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ पार्क कराए जाएंगे और जो टू व्हीलर्स होंगे टू व्हीलर्स ट्रांसफार्मर तिराहे पर महंत दिग्विजयनाथ पार्किंग में पार्क किए जाएंगे और जिन लोगों के लिए उस रास्ते उनके लिए जो डायवर्जन की व्यवस्था दी गई है डायवर्जन के लिए हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास का इस्तेमाल और अमर उजाला की तरफ से डायवर्टेड वाले वाहन जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस डायवर्जन प्लान को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं और ये डायवर्जन दिन में 2 बजे से लागू होगा और शाम को कार्यक्रम के समापन यानी कि शाम को 8-9 बजे तक डायवर्जन रहेगा। थैंक यू। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया से तारामंडल पिकनिक पर जा रही स्कूल की बस पलटी, साइकिल सवार की हुई मौत, 6 स्कूली बच्चे हुए घायल। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, सभी बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया बाहर, बच्चों को भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जनरल स्टोर के दुकान में अमरूद मंडी पर बिक रहा है खुलेआम गांजा। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, मामला आया है संज्ञान में, की जाएगी कार्रवाई, बाइट देने से किया इनकार। सीएम ने चयनित 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, भर्ती निकलते ही वसूली पर निकल पड़ते थे महाभारत के रिश्ते। दी सीख बोले, कार्य प्रगति ही आपको करती है पुरस्कृत, बिना योग्यता के पुरस्कार पाने वाले बनते हैं हंसी के पात्र। यूपी के बारे में बदली है लोगों की धारणा। थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर भू माफिया जवाहर यादव की 85 करोड़ की संपत्ति को क्या कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई, एसपी सिटी ने दी जानकारी। धोखाधड़ी द्वारा आपराधिक न्यास भंग व जान से मारने की धमकी देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों प्रेमनाथ व राजकुमार निषाद के ऊपर बेलघर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। काकोरी बलिदान दिवस की याद में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले देश के 750 ड्रोनों के सबसे बड़े ड्रोन शो के मद्देनजर नौकायन से पैडलेगंज तक रहेगा रूट डाइवर्ट, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों सौरभ सिंह एवं अभिलाष उर्फ रीशु यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। हत्या लूट
लूटो डकैती करने वाले छह शातिर अभियुक्तों मनोज चौहान, मनोज साहनी, सुनील उर्फ बहादुर चौहान, सोनू मिश्रा उर्फ विनोद उर्फ अजीत मिश्रा, वीरेंद्र कसौधन और विकास पाचक उर्फ दीपू के ऊपर चिलुआताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्यवाही। सीओ कैंपियरगंज ने दी जानकारी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से जिला कारागार गोरखपुर तक निकाली गई बाइक रैली। कहा, काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की खातिर सब कुछ खुशी खुशी किया निशावर, देश के हर नौजवान को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ दबिश के दौरान राजघाट थाने की पुलिस ने तीन अभियुक्तों राम केवल, ओमकार निषाद और बुद्धिराम निषाद को किया गिरफ्तार। 450 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम नौशादर, एक स्कूटी किया बरामद। एसपी सिटी ने दी जानकारी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत चित्रकला एवं रंगोली महोत्सव का हुआ आयोजन। 1911 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग। सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ होगा महोत्सव का समापन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को रीजनल स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सौरभ सिंह पुत्र राम सिंह निवासी राम जानकी नगर गौतम बुद्ध कॉलोनी ब्लॉक ए थाना शाहपुर गोरखपुर, दूसरा अभिलाष उर्फ ऋषु यादव पुत्र महात्म यादव निवासी बैरवा नानखार थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर व हाल पता राम जानकी नगर स्कॉलर स्कूल के पास थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का तीन मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 11 दिसंबर को वादी मुकदमा से अज्ञात बाइक सवारों द्वारा मोबाइल को छीनकर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीन लोग सौरभ, अभिलाष व अंबर तिवारी अच्छे मित्र हैं। सौरभ को मोबाइल की जरूरत थी, जिसके लिए हम सब ने मिलकर यह प्लान बनाया कि किसी व्यक्ति का मोबाइल लूटा जाएगा। इसके लिए 11 दिसंबर को हम सब ने मिलकर अंबर की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट टेप के माध्यम से बदल दिया, ताकि कोई भी हमारी गाड़ी की पहचान ना कर पाए। उसके बाद हम सब मोबाइल छीनने के लिए शहर में आए। अंबर गाड़ी चला रहा था, अभिलाष बीच में बैठा और सौरभ जो पीछे बैठा था उसने एक लड़के से उसका मोबाइल पार्क रेजिडेंसी होटल के आगे छीना था। वह मोबाइल रेडमी का है। दूसरा मोबाइल हमने विष्णु मंदिर असुरन से थोड़ा आगे से एक साइकिल चला रहे व्यक्ति से छीना था, जो कि मोटरोला कंपनी का है। उसके बाद खरैया पोखरा के पास एप्पल बेकरी की गली में एक आदमी से उसका मोबाइल छीना, जो पैदल ही जा रहा था। उसका फ़ोन ओप्पो कंपनी का है। उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। बहुत दिन हो गए थे, आज फिर हम तीनों साथ ही मोबाइल छीनने के लिए ही निकले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल संजीत यादव, विकास यादव, संदीप कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने दो अच्छी नीति करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि 11 तारीख की शाम को करीबन 9:30 बजे के आसपास गोलघर पार्क रोड पे एक व्यक्ति के मोबाइल छीना गया। उसके बाद में
उस गाड़ी पर 3 लोग सवार थे, इतनी सूचना थी। उसके बाद में त्रिनेत्र के भी कैमरे खंगाले गए और ITMS के भी कैमरे खंगाले गए। उसे एक नंबर जरूर मिला पुलिस को, लेकिन वो नंबर सही नंबर नहीं था। उसके बाद में उसमें मैनुअल वर्क करते हुए चौकी प्रभारी जटेपुर द्वारा स्मार्ट वर्क करते हुए उसमें से 15-16 ऐसी मोटरसाइकिलों को चिन्हित किया गया जो कि इस 220 पल्सर से मिलती जुलती थी, और उसके आधार पर जीरो इन करते हुए फिर अभियुक्तों की मोटरसाइकिल की पहचान की गई। और उस पहचान के आधार पर 2 अभियुक्त सौरभ सिंह और अभिलाष उर्फ रिशु यादव, इन 2 को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल 3 मोबाइल छिनेती के बरामद हुए हैं। 2 अन्य मोबाइल के IMEI रन करवा के उनका ओरिजिनल फ़ोन नंबर पता किया जाएगा और उनके भी जो वादी हैं उनकी पहचान कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनका पूर्व का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। उस दिन उन्होंने जो भी अपना इमीडिएट प्लान बनाया है उसी के आधार पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस बात की भी गहराई से पता लगाया जा रहा है कि बाद की पूछताछ में पता चलेगा कि वास्तव में ये इस तरह की घटनाएं कारित करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। छिनेती करने वाले लोग हैं जिनको मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू। चिलुआताल थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के अपराध में शामिल 6 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में CO कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने बताया कि चिलुआताल पुलिस ने अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल गोरखपुर, दूसरा मनोज साहनी पुत्र देवमुनि निवासी मोहरीपुर तरहवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, तीसरा सुनील उर्फ बहादुर चौहान पुत्र श्रीराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल, चौथा सोनू मिश्रा उर्फ विनोद उर्फ अजीत मिश्रा पुत्र स्वर्गीय शंभू मिश्रा निवासी सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, पांचवा वीरेंद्र कसौधन पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, छठा विकास पाठक उर्फ दीपू पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर पाठक निवासी चाईपुर पोस्ट सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। CO कैंपियरगंज ने बताया कि गैंग लीडर मनोज चौहान अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए आए दिन हत्या लूट व डकैती जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर चिलुआताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत चिलुआताल पुलिस द्वारा गैंग लीडर मनोज चौहान व उसके अन्य 5 साथियों के ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इनके ऊपर हत्या लूट डकैती सहित कुल 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय वंदना युवा परिषद द्वारा हरिओम नगर राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से जिला कारागार गोरखपुर तक बाइक रैली निकाली गई। इसके उपरांत क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का 19 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है। सोमवार को बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय मंडल समिति के द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जो हरिओम नगर तिराहे से गोलघर गणेश चौक काली मंदिर असुरन चौक होते हुए गोरखपुर जिला कारागार जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी वहां पर समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने देश की खातिर सब कुछ निछावर कर खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी होने के साथ साथ लेखक साहित्यकार इतिहासकार और बहुभाषी अनुवादक थे। वहीं गोरखपुर में बिस्मिल की एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 4 महीने 10 दिन गोरखपुर की जेल में बिताए थे। उन्होंने कहा कि देश का हर नौजवान उनसे प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ योगदान देश के लिए करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जितने को पांच बाजे चले अपनी जान में
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस कल 19 दिसंबर 1927 को है, कल 19 दिसंबर को है। आज उनकी पूर्व संध्या पर, बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज यहाँ राष्ट्र बंधन समिति के द्वारा एक मोटरसाइकिल जुलूस यहाँ से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके जिला जेल में जहाँ पर उनकी फांसी हुई थी वहाँ पर जा रहा है और उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब यहाँ आए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनको याद करने। जुलूस यहाँ से जा करके वहाँ पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके कार्यक्रम समाप्त होगा। क्या कहेंगे इनके बारे में? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए दिया है। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर के जिला जेल में उनकी फांसी हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये काकोरी कांड के नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूट करके क्रांतिकारियों के बीच में एक अग्नि प्रज्वलित की थी। और मैं यही कहूँगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इस देश के हीरो थे और उनसे प्रेरणा लेकर के देश के हर नौजवानों को अपना कुछ न कुछ योगदान देश के लिए करना चाहिए, यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजघाट थाने की पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राम केवल पुत्र परदेशी निवासी मंझरिया थाना रामगढ़ ताल गोरखपुर, दूसरा ओमकार निषाद पुत्र राम जियावन निवासी रामपुर थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा बुद्धिराम निषाद पुत्र स्वर्गीय सुखराज निषाद निवासी सुरैना थाना हरपुर बुधट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 450 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलो नौसादर, 1 स्कूटी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह तीनों अभियुक्त दबिश के दौरान कच्ची शराब के साथ पाए गए, जिनको गिरफ्तार कर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल नवीर रसूल, रोशन बिंद, पप्पू गौतम, पवन यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री पर रोकथाम लगाने एवं कच्ची शराब के बनने हैं उससे संबंधित जितने भी हैं अपराधी उन सबको धर पकड़ के अभियान में अमूर्तानी क्षेत्र से कल रात को थाना राजघाट एसओ राजघाट एवं चौकी प्रभारी टीपी नगर द्वारा दबिश दी गई। उसमें शराब बनाते हुए अपमिश्रित शराब को बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 450 लीटर कच्ची शराब, 2.5 किलो यूरिया एवं 4 किलो नौसादर और 1 स्कूटी भी बरामद की है मौके से। और 3 अभियुक्त जिनका नाम राम केवल, ओमकार और बुद्धिराम, इन दोनों पे, तीनों पे 272 IPC एवं 60 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत राय बहादुर राम नारायण लाल एवं हर नारायण लाल के स्मृति में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में ललित कला, चित्रकला एवं रंगोली महोत्सव के तीसरे दिन शहर के विभिन्न कॉलेजों से आए हुए छात्र और छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सीनियर, जूनियर और विशिष्ट वर्ग के कुल 1,911 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी सिंह ने बताया कि भावों की अभिव्यक्ति ही चित्रकला है। चित्रकला के माध्यम से व्यक्ति जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूने का कार्य करता है। सृजनात्मकता जिस व्यक्ति के अंदर होती है वही असली कलाकार होता है। इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में प्रतिभागी प्रतिभाग किए हैं। चित्रकला के साथ ही रंगोली की प्रतियोगिता भी हुई है। उन्होंने कहा कि व्यापकता बढ़ने से दिन कम पड़ जा रहा है, लेकिन आने वाले सत्रों में 1 हफ्ते का करना होगा। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, दिलीप पांडे,
संजय मोहन त्रिपाठी, ओम प्रकाश मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश मिश्रा, एमएम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी सिंह ने कहा, जो भी हमारे सम्मानित सर हट जाओ सीनरी से। ये आज चार प्रकार की प्रतियोगिताएं चल रही हैं कॉलेज में ललित कला महोत्सव के अंतर्गत। जो मुख्य प्रतियोगिता है वो चित्रकला प्रतियोगिता है, जो विगत चार दशकों से होती चली आ रही है। आज से लगभग 42 वर्ष पहले एक वट बीज रोपित किया इस कॉलेज के एक प्रवक्ता डॉक्टर हरशंकर श्रीवास्तव ने, और धीरे धीरे उसको हम लोग इतना आगे ले गए कि आज वह वट वृक्ष जैसा लग रहा है। बहुत सारे प्रतिभागी हजारों की संख्या में प्रतिभाग किए हैं, साथ ही रंगोली प्रतियोगिता भी हुई है, स्वरचित काव्य पाठ भी चल रहा है। ये जो सबसे यूँ कहिए कि बौद्धिक प्रतियोगिता है बेहद, जिसको क्विज कहते हैं, ये क्विज प्रतियोगिता कई राउंड से होकर गुजरी है। पहले स्क्रीनिंग राउंड हुआ है, फिर सेमीफाइनल हुआ है, फिर फाइनल प्रतियोगिता आज वो हुई है। डिग्री कॉलेज में आज पुरातन छात्र सम्मेलन है, जिसमें बहुत सारे MGPG कॉलेज के प्रोडक्ट्स जो विगत 30 वर्ष पहले 35 वर्ष पहले यहाँ विद्यार्थी हुआ करते थे, आज प्रोफेसर्स और ऊँचे पदों पर हैं, आसीन हैं, वो कुछ तो विदेश से भी आए हुए हैं। वो डिग्री कॉलेज में यह प्रतियोगिता चल रही है। यह ललित कला महोत्सव हमारा 4 दिन का चल रहा है, आज तीसरा दिन है, कल समापन है। समापन के अवसर पर ही सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आज के इस चित्रकला के जो प्रतियोगिता के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो हमारे डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग के सम्मानित सदस्य रहे हैं। संप्रति वो लेडी प्रसन्न कौर इंटर कॉलेज बासडीला के प्रिंसिपल हैं और अध्यक्षता किया है MSI इंटर कॉलेज के बड़े ही ओजस्वी प्रधानाचार्य श्री जफर अहमद खान साहब। यह प्रतियोगिता इन बच्चों में रचनात्मक उनका जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उकेरने में उभारने में विशेष इसका योगदान है। हम लोग प्रयासरत हैं कि सारी प्रतियोगिताएँ ठीक से संपन्न हो जाए। अभी विज्ञान प्रतियोगिता हमारी हो रही है, जिसमें 56 विद्यालयों के प्रतिभागी वो किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें लगभग 300 वो मॉडल्स आए हुए हैं 56 विद्यालयों से। तो ये प्रतियोगिता हम हर साल कराते हैं, इस बार तो 4 ही दिन का रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि व्यापकता इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि आने वाले सत्रों में हमको इसको 5 से 6 दिन का करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर।
साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया से तारामंडल पिकनिक पर जा रही स्कूल की बस पलटी, साइकिल सवार की हुई मौत, 6 स्कूली बच्चे हुए घायल। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा सभी बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया बाहर, बच्चों को भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जनरल स्टोर के दुकान में अमरूद मंडी पर बिक रहा है खुलेआम गांजा। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा मामला आया है संज्ञान में, की जाएगी कार्रवाई, बाइट देने से किया इनकार। सीएम ने चयनित 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा भर्ती निकलते ही वसूली पर निकल पड़ते थे महाभारत के रिश्ते। दी सीख बोले कार्य प्रगति ही आपको करती है पुरस्कृत, बिना योग्यता के पुरस्कार पाने वाले बनते हैं हंसी के पात्र। यूपी के बारे में बदली है लोगों की धारणा। थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर भू माफिया जवाहर यादव की 85 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई, एसपी सिटी ने दी जानकारी। धोखाधड़ी द्वारा आपराधिक न्यास भंग व जान से मारने की धमकी देने वाले दो शातिर अभियुक्तों प्रेमनाथ व राजकुमार निषाद के ऊपर बेलघर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। काकोरी बलिदान दिवस की याद में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले देश के 750 ड्रोनों के सबसे बड़े ड्रोन शो के मद्देनजर नौकायन से पैडलेगंज तक रहेगा रूट डायवर्ट, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों सौरभ सिंह एवं अभिलाष उर्फ रीशु यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। लूट व डकैती करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों मनोज चौहान, मनोज साहनी, सुनील उर्फ बहादुर चौहान, सोनू मिश्रा उर्फ विनोद उर्फ अजीत मिश्रा, वीरेंद्र कसौधन और विकास पाचक उर्फ दीपू के ऊपर चिलवाताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, सीओ कैंपियरगंज ने दी जानकारी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से जिला कारागार गोरखपुर तक निकाली गई बाइक रैली, कहा काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की खातिर सब कुछ खुशी खुशी किया निशावर, देश के हर नौजवान को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ दबिश के दौरान राजघाट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों राम केवल, ओमकार निषाद और बुद्धिराम निषाद को किया गिरफ्तार, 450 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम नौशादर, 1 स्कूटी किया बरामद, एसपी सिटी ने दी जानकारी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत चित्रकला एवं रंगोली महोत्सव का हुआ आयोजन, 1911 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग, सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ होगा महोत्सव का समापन। आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।